मेष राशि के लिए गुरु उनके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो अष्टम भाव में सहसा गुरु को अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी जब जलीय राशि और वृश्चिक राशि में गुरु के प्रवेश करने से इतना कोई हानि नहीं होने वाली, इसलिए ऐसी कोई प्रेडिक्शंस वगैरह सुन के आप डरिएगा मत। फिलहाल जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, आपके पंचम दृष्टि पड़ रही है जो आपके व्यय स्थान पर, तो आपके शुभ खर्चे होंगे। आप विदेश जाने की जो आपकी लालसा है या आप जाने की जो प्रयत्न करेंगे उसमें भी आपके खर्चे हो जाएंगे, तो एक तरह से वो अच्छी की तरफ खर्चा होगा, लेकिन ऐसा कोई खर्चा नहीं होगा जिसकी वजह से आपका कोई नुकसान हो जाए। तो जो खर्चे होंगे वो आपको फायदा देने वाले होंगे, क्योंकि वहां पर गुरु की स्वग्रही राशि है। इसके साथ साथ आपके हेल्थ पे भी अगर खर्चे हुए तो आपकी हेल्थ ठीक होने पे लग जाएगी। अगर प्रेम संबंधों पे खर्चे हुए तो उसका रिजल्ट आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। अब सप्तम दृष्टि पड़ेगी गुरु की आपकी धन भाव पे, तो स्वाभाविक है गुरु की जो अपनी नेचर है उसके हिसाब से कोई बड़ी धन हानि आपको होने नहीं देगा वो। फिर भी मेरी आपसे सलाह है कि अपना धन कमाया हुआ आप संभाल के रखें, ना हो तो आप महालक्ष्मी की आराधना इस वर्ष करते रहें जिससे आपके धन के कोष में कोई कमी ना आए। परिवार में अगर कोई मनमुटाव है तो उसको अपनी वाणी से, अपनी सात्विकता से बनाए रखें और किसी के साथ कलह ना करें। आपके काउंसलिंग कंसल्टेशन के अगर कोई बिजनेस है उसमें कोई कमी आती है आप, या सिंगिंग करते हैं, ऐसा कोई काम करते हैं जो बोलने से रिलेटेड है उसमें कोई कमी आती है, तो भी आपको महालक्ष्मी की आराधना करके स्थिति को टालते रहना चाहिए। इसके साथ ही गुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी आपके चतुर्थ स्थान पर, तो वहां पर कर्क राशि है। तो हालांकि लोग ऐसा कहते हैं कि ये सारी दृष्टियां जो है इनमें से कोई मेष राशि को सूट नहीं करती, बट मेरा कहना ऐसा है कि जो कर्क राशि है वो गुरु की परम मित्र की राशि है, चंद्रमा की राशि है, जिससे जब चंद्रमा गुरु के साथ आता है तो गुरुचरण योग बनाता है। तो एक बात याद रखिए, आपकी शुभ रेनोवेशंस होंगी, आप कार वगैरह खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, आपकी माता से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, आपके जो परिवार वाले जो हेल्पर्स हैं वो आपका फुल सपोर्ट करेंगे। तो नेगेटिव सोचना बंद कीजिए, गुरु अष्टम में जरूर आ रहा है तो पेट से रिलेटेड परेशानियों पर आपको ध्यान देना है। होगा ये कि गुरु अष्टम में आकर अगर आपको कोई पेट से रिलेटेड परेशानी है, आपको विवाहित जीवन में कोई परेशानी है, तो वो सॉर्ट आउट करवाएगा उस परेशानी को, तो निकालेगा आपको, पॉजिटिविटी की ओर ले जाएगा।